सभी को हिंद आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीसी भर्ती के इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आप सभी को बता दूं वीडियो काफी लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने कोशिश की है कि एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करूं इसलिए अगर आपके पास टाइम है तो भाई वीडियो के साथ बने रहिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो देखिएगा अगर आप एनसीसी को ज्वाइन करना चाहते हो एनसीसी में भर्ती होना चाहते हो तो उसके लिए जो है आपको चार स्टेट से गुजरना पड़ता है चार स्टेट से आपको गुजरना पड़ता है तो सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है फिजिकल टेस्ट ठीक है पहली जो स्टेज होती है वो फिजिकल टेस्ट होती है अब फिजिकल टेस्ट में जो है आपको रनिंग पुलअप सीटअप्स कितनी रनिंग दौड़ना पड़ता है उसके लिए टाइमिंग क्या होता है इसके बारे में सब कुछ जो उसमें इंफॉर्मेशन है मैंने जो है उस वीडियो में बताई है अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहाँ से आप चेक कर सकते हो उस वीडियो को देख सकते हो या आपके राइट हैंड के ऊपर एक राइट हैंड के ऊपर एक आई बटन होगा आपकी स्क्रीन के तो वहां पे जो है मैंने उस वीडियो का लिंक भी वहां पे दे चुका हूं वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हो स्टेज सेकंड सेकंड स्टेज जो होती है वो होती है एंट्रेंस टेस्ट ठीक है जैसे ही आप फिजिकल टेस्ट को पास कर लेते हो उसके बाद में जो आपको एक सेकंड स्टेज जो होती है वो एंट्रेंस टेस्ट होती है आपको एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना पड़ता है अब एंट्रेंस टेस्ट के लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए उसमें जनरल नॉलेज डिफेंस नॉलेज अवार्ड्स ठीक है और क्या क्या चीजें उसमें पूछे जाते हैं कौन से एंट्रेंस टेस्ट में कौन से कौन से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है आप जो है उस वीडियो को अगर देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा और साथ में आप आपके राइट हैंड के ऊपर जो है आपके स्क्रीन के ऊपर एक आ, आ, आई बटन होगा उसके ऊपर क्लिक करो वहां वहां पे भी जो है उस वीडियो का लिंक मैंने दिया है वहां से भी आप देख सकते हो आज बात करने वाले हैं हम स्टेप थर्ड की स्टेप थर्ड की तो देखिए स्टेप थर्ड क्या होती है, तीसरी जो होती है, भाई वो होती है अब आज के इस वीडियो में हम इंटरव्यू के बारे में जानेंगे तो देखिए इंटरव्यू की पूरी प्रोसेस कैसी होती है उसमें क्या क्या होता है ये चीजें आप आज हम समझेंगे तो सबसे पहला जो होता है उसमें इंट्रोडक्शन पहली प्रोसीजर होती है उसमें इंट्रोडक्शन तो देखिए इंट्रोडक्शन में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा ठीक है सबसे पहला एक सवाल आपसे पूछा जाएगा इंट्रोडक्शन में टेल मी अबाउट योर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है टेल मी अबाउट योर इसी तरह से पहला क्वेश्चन आपसे जो है आपसे जो पी स्टाफ है वो आपसे पूछेंगे ये क्वेश्चन टेल मी अबाउट योर सेल्फ भाई आपको इसका जो आंसर है देना है तो आप इसका आंसर कैसे दोगे ठीक है इसका आंसर आप कैसे दोगे इसमें इसमें जो है आपको आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ आपका कॉलेज आपके हॉबीज ठीक है आपके परसेंटेज आप आप कौन से ब्रांच में पढ़ रहे हो ये सब कुछ चीजें आपको इसमें बताना है तो आप कैसे आपका इंट्रोडक्शन दोगे ठीक है ऐसा तो नहीं बोलोगे सर मेरा नाम नितिन है मैं इस इस कॉलेज में पढ़ता हूँ सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ऐसी है मेरे हॉबीज है सर डांस सिंगिंग ऐसा वैसा ऐसा बोलोगे क्या वहां पे आपको जो है जब भी आप इंट्रोडक्शन देते हो तो एक उसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है इंट्रोडक्शन देने का ठीक है तो आप क्या करो सबसे पहले सुनो 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 सभी अगर आपको इंट्रोडक्शन एक प्रॉपर तरीके में देना है तो आप क्या करो यूट्यूब पे जाओ वहां पे सर्च करो कि इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है फिर आपको कुछ वीडियोज वहां पर मिलेंगी उन वीडियोज को सही तरह से देखो फिर उसके नोट्स बनाओ एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिख लो और उस इंट्रोडक्शन को क्या करो आप बार 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 उसकी प्रैक्टिस करो ठीक है आपके घर में एक मिरर होगा उस मिरर के सामने जो है उसकी प्रैक्टिस करो तो तभी आपका जो इंट्रोडक्शन है वो सही तरह से आप दे पाओगे आप सभी को पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा जाता है आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है तो इंट्रोडक्शन ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है अगर आपने पहले ही फर्स्ट इंप्रेशन में अगर आपने सबका दिल जीत लिया तो भाई आपको जो है एनसीसी में भर्ती होने से कोई रोक नहीं सकता है ठीक है इसीलिए जब भी आप इंट्रोडक्शन दोगे आपका तो एक उसका जो फॉर्मेट है वो अच्छा होना चाहिए आपकी टोनिंग जो होनी चाहिए अब जैसी आप टोनिंग हो रही है जैसे आप बात करोगे उसकी टोनिंग भी सही तरह से होनी चाहिए और उस इंट्रोडक्शन में प्रॉपर सब कुछ चीजें होनी चाहिए जैसे कि आपका उसमें पूरा नाम आपका एड्रेस आपके कॉलेज का नाम आपकी डेट ऑफ आप बर्थ आपके परसेंटेज आपके हॉबीज आपका ड्रीम ये सब कुछ चीजें उसमें होनी चाहिए तभी आपका जो इंट्रोडक्शन है वो प्रॉपर तरीके से बनेगा क्लियर है ये चीजें समझ में आई फिर एक बार मैं बता दूं आप अगर प्रॉपर इंट्रोडक्शन चाहते हो तो आप क्या करो यूट्यूब पे जाओ वहाँ पे सर्च करो इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है फिर वहां पे कुछ वीडियोज आएंगे उसको देखो ठीक है उसके बाद में एक नोट्स बनाओ एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन का एक मैटर आपको मिलेगा उसके ऊपर आप बार बार प्रैक्टिस करो रेगुलर प्रैक्टिस करो मिरर के सामने बात करो या हो सकता है आप आपके दोस्त को बोलो कि आप एक ऑफिसर इंटर्व, हो ठीक है उसको इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो इंटरव्यूइंग की ठीक है इंटरव्यू की आप प्रैक्टिस कर सकते हो आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन के बारे में तो कुछ चीजें समझ में आई होगी चलिए उसके बाद में बात करेंगे प्रोसीजर नंबर टू फिर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा कि वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइंट एन सी सी वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन एन सी सी आप एन सी सी ज्वाइन क्यों करना चाहते हो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ठीक है इसका आंसर देना इतना आसान नहीं है ठीक है आप एन सी सी ज्वाइन क्यों करना चाहते हो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अब इसमें जो है बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं कि उनके पास तो इसका आंसर ही नहीं होता है प्रॉपर सभी बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे इंडियन आर्मी में जाना है कोई बोलता है सर कि मुझे नेवी में जाना है कोई बोलता है कि सर मुझे एयरफोर्स में जाना है कोई बोलता है कि सर मुझे देश सेवा करनी है भाई ये ये आप क्या आंसर दोगे उस क्वेश्चन का अगर इस तरह से अगर आंसर दोगे तो क्या वैल्यू मतलब कि आपका जो आंसर है वो आंसर नहीं है ठीक है आपको कुछ हटके आंसर देना पड़ेगा सबसे इतना इजी आंसर तो कोई भी छोटा बच्चा भी दे देगा दे यार पांच साल का बच्चा भी दे देगा दे इस क्वेश्चन इस का आंसर आप एनसीसी ज्वाइन क्यों करना चाहते हो सर मुझे आर्मी में जाना है नेवी में जाना है एयरफोर्स में जाना है देश की सेवा करनी है ठीक है इस तरह से इसका आंसर नहीं देना है आपको इसका जो आंसर है कुछ हटके देना है अगर सभी बच्चे एक ही आंसर देंगे तो क्या उनको भी पता चल जाएगा कि भाई इनमें जो है कुछ वो ज्यादा थिंकिंग नहीं कर सकती इनकी आपकी थिंकिंग पावर कैसी है उसके बारे में उस ऑफिसर को पता चल जाएगा जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है तो इसीलिए क्या है अगर आप चाहते हो कि आप एनसीसी ज्वाइन क्यों करना चाहते हो इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर क्या है अगर आप चाहते हो इस इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊं तो आप क्या करो आप अभी कमेंट बॉक्स में जाओ वहां पे जो है आपको एसर लिखना है अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं इसका जो सही आंसर है वो कैसे होता है उसके बारे में मैं बताऊं तो आप कमेंट बॉक्स में जाओ वहां पे यस सर आपको लिखना है अगर 500 से ज्यादा अगर उस उसपे कमेंट्स आते हैं इस वीडियो के ऊपर सुनो इस वीडियो के ऊपर 500 से ज्यादा कमेंट आते हैं तो बिल्कुल मैं उस टॉपिक पे जो है ना वीडियो बनाऊंगा आप एनसीसी ज्वाइन क्यों करना चाहते हो इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा इसका जो प्रॉपर आंसर क्या है ये भी मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कमेंट में आपको सिर्फ लिखना है ठीक है आई होप कि आपको ये भी समझ में आएगा आया होगा या आप खुद से ट्राई करो कि इसका आंसर आप कैसे ढूंढ पाओगे आप एन सी ज्वाइन क्यों करना चाहते हो भाई एनसीसी तो आपको ज्वाइन करनी है ना तो आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो इसका जो जवाब है वो आपके पास ही होना चाहिए अगर आप चाहते हो कि मैं इसका जवाब बताऊं तो आप कमेंट बॉक्स में ये सर लिखिए फिर मैं उसके ऊपर जो है एक वीडियो बनाऊंगा चलिए उसके बाद में बात करेंगे प्रोसीजर नंबर थ्री की ठीक है प्रोसीजर नंबर थ्री क्या है तो इसमें जो है डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन आपके आपसे जो है इसमें पूछेगा एनसीसी को जो है वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है एनसीसी को क्या कहा जाता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है तो आप जो है आगे चल के डिफेंस का एक हिस्सा बनने वाले हो ठीक है एनसीसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है तो आप एक डिफेंस का हिस्सा बनने जा रहे हो तो भाई डिफेंस के बारे में आपको तो कुछ चीजें पता होनी चाहिए जैसे कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है आर्मी नेवी एयरफोर्स के हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक है आर्मी के जनरल कौन है

तो आप क्या करो ट्राई करो कि डिफेंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सको ताकि आगे चल के आपको जो है वो इंटरव्यू में जो है आपको हेल्प मिलेगी चलिए उसके बाद में प्रोसीजर नंबर फोर के ऊपर बढ़ते उसके बाद प्रोसीजर नंबर फोर है एनसीसी रिलेटेड क्वेश्चंस ठीक है इसमें जो है आपको एनसीसी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे देखिए अब आप एनसीसी में एनसीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है आप उस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा बनने वाले हो तो भाई आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने वाले हो उस, उसके बारे में तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए पहले से अगर आपको एनसीसी के बारे में कुछ चीजें पता ही नहीं है तो आप तो क्या एनसीसी ज्वाइन करोगे इसीलिए जो है पहले आपको एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ चीजें पता करनी पड़ेगी अब उसमें आप क्या क्या पता करोगे तो एनसीसी की हिस्ट्री ठीक है एनसीसी की हिस्ट्री किसने एनसीसी की हिस्ट्री के बारे में पता करो उसके बाद जो है एनसीसी की स्थापना कब हुई ठीक है उसके बारे में पता करो एन सी का उद्देश्य क्या है एम ऑफ एन भाई एन को बनाया क्यों क्या उद्देश्य है एन काम कैसे करती है उसका स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में पता करो ताकि जो है जब आप ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाए कि एन के बारे में कुछ बताओ तो आप जो है ये सब कुछ चीजें उसमें बताओगे फिर एक बार एन की स्थापना कब हुई एन का एम क्या है एन का स्ट्रक्चर क्या है ये सभी चीजें जो है आप उनको बता सको ठीक है और साथ में एनसीसी डीजी का नाम भी आपको पता होना चाहिए एनसीसी डायरेक्टरेट का डायरेक्टरेट कितने हैं उसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए चलिए उसके बाद में प्रोसीजर फाइव जो होती है वो होता है करंट अफेयर्स क्वेश्चन ठीक है करंट अफेयर्स के बारे में इसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसे कि अभी गलवान घाटी में आप देख रहे हो कि भारत चाइना के बीच में थोड़ा झकपक चालू है ठीक है तो क्या आपको डिफेंस के रिलेटेड डिफेंस के बारे में इंटरेस्ट है क्या आप डिफेंस के रिलेटेड कुछ नॉलेज आपके पास ये चेक किया जाता है तो करंट अफेयर्स में आपको कुछ कोविड के बारे में हो सकता है वो पूछेंगे आपका योगदान क्या था कोविड नाइनटीन में ठीक है या या करंट अफेयर्स में वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेकिन आपको तो ये बेसिक चीजें मैंने बताई है कि आप इसको पढ़ के जो है आपके आप क्या कर सकते हो कि आपको थोड़ा सा आपको एक हिंट मिलेगी कि किस तरह से क्वेश्चंस जो है वो एनसीसी के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्लियर है तो आप सभी क्या करो देखिए इंटरव्यू इतना डिफिकल्ट नहीं होता है वेरी इजी होता है आप आराम से इंटरव्यू को निकाल पाओगे लेकिन मैंने जितने भी टॉपिक्स आपको बताए हैं उन टॉपिक्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी आप आराम से जो है वो इंटरव्यू को निकालोगे कोई इसमें डाउट नहीं है ठीक है अगर आपका एनसीसी इंटरव्यू के रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसको जो है मैं तो रिप्लाई करूंगा ही कोई उसमें कोई डाउट्स ही नहीं है अगर और एक बात मैं बता दूं कि बता दूं आप सभी को कि आ, फिजिकल टेस्ट कैसे होता है एंट्रेंस टेस्ट कैसे होता है इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ वहाँ पे लिंक मिलेगा उसके ऊपर क्लिक करो और पूरी वीडियोस आप वहाँ से देख सकते हो और साथ में आपके राइट हैंड के ऊपर एक राइट साइड में आप एक आई बटन होगा उसके ऊपर क्लिक करो वहां पे भी आप पूरी वीडियोस देख सकते हो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दो यार सभी लोग और कमेंट बॉक्स में यस सर लिखना ना भूलो ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर लो आगे चल के जो है आपको इसी तरह की नई इंफॉर्मेटिव वीडियोज हमेशा मिलती रहेगी आपका कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम